पहचान उसकी सांस्कृतिक विरासत से होती है और विंटरलाइन कार्निवाल के माध्यम से हमारे उत्तराखंड की संस्कृति देवभूमि और मेरा निवेदन है यहाँ पर किया जा रहा है। कार्निवाल की अध्यक्षता मुझे याद है हमारे जिला जब जिले की आपदा आई थी 2013 में तो एक संदेश चला गया था कि आपदा पूरे उत्तराखंड में टूरिस्ट आ नहीं रही था। उस टाइम बहुड़ा जी सीएम थे तो टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए विंटरलाइन कार्निवाल की शुरुआत की थी और जो लगातार आज चल रहा है। आज पूरे प्रदेश की झांकी यहाँ पर दिखाई गई, चाहे दूरस्थ से चमोली हो, मुंशारी हो, उत्तरागढ़ हो, जौनसार हो, हर क्षेत्र के कलाकार यहाँ पर थे और जो पर्यटक यहाँ पर आएंगे तो इस संस्कृति का आनंद लेंगे और इस प्रकार के आयोजन के माध्यम से जहाँ संस्कृति का आदान प्रदान होता है टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलता है। और आज मैं इसके लिए अपने आयोजकों को माननीय गणेश जोशी जिसमें मसूरी की जनता का पूरा भी साथ मिला है, उनके स्वागत में शिक्षण हो चाहे कोई भी कैसे शुरुआत हुई सबका पूरा साथ मिला है, उनको भी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। सर पर्यटन को कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा पर्यटन निश्चित ही से, क्योंकि जब यहां पर देश विदेश का टूरिस्ट यहां पर आता है, जब यहां की संस्कृति की वो देखेगा तो निश्चित ही यहाँ के टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा।